कुछ अध्यापक कितने निरंकुश हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अध्यापक ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव को लेकर अभद्र भाषा में टिप्पणी लिखी। बीजेपी नेताओं ने इस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिक्षक का कार्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में मदद करना भी है, लेकिन कुछ शिक्षक अपने कार्य व्यवहार से इस पेशे की गरिमा को गिरा रहे हैं। परासिया के मोरडोंगरी गांव पंचायत की माध्यमिक शाला के एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर मंत्री गोपाल भार्गव के बारे में अभद्र टिप्पणी लिख दी, जिससे नाराज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज मुंगिया ने थाने में ज्ञापन सौंपा और पुलिस से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एक शिक्षक संघ का ग्रुप है, छिंदवाड़ा शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एक ग्रुप है, उसमें एक आर के शर्मा नाम का एक शिक्षक है, उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग पीडब्ल्यूडी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ किया है। हमने प्रशासन से मांग की है कि उसके खिलाफ सोशल एड का मुकदमा कायम होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से समस्त भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो सम्मान नेता हैं गोपाल भार्गव जी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, एक शिक्षक ने उनका अपमान किया है। हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 10 कार्यकर्ताओं के साथ आकर यहाँ पे साहब को इस बात से अवगत कराया है कि वो सार्वजनिक रूप से आकर समस्त कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे और गोपाल भार्गव जी से माफ़ी मांगे, जिससे पुनः भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान बन सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।